हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम बात करेंगे रिंग टोपोलॉजी के बारे में इसके अलावा अगर आपको बस टोपोलॉजी स्टार टेपोलॉजी मैच टेपोलॉजी के बारे में समझना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक अवेलेबल है तो स्टार्ट करते हैं रिंग टोपोलॉजी के मीनिंग से दैन हम इसके एडवांटेजेज और डिसएडवाटेजेज को समझेंगे तो रिंग टोपोलॉजीज में जो डिवाइस होती हैं वो एक सर्कुलर फैशन फॉर्म में कनेक्टेड होती हैं जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं यहाँ पर केबल को एक सर्कुलर फॉर्म में रखा गया है जिसके साथ सारी डिवाइसिस को कनेक्ट किया गया है इसमें डेटा को वन डायरेक्शन में सेंड किया जाता है जो कि हो सकता है क्लोकवाइज या फिर एंटी क्लोक इसे इमेज की हेल्प से समझते हैं ये दो डिवाइसेस आपस में डेटा को सेंड करना चाहती हैं तो ये डायरेक्टली इस डेटा को सेंड नहीं कर पाएंगे या तो इनको क्लोक इस डेटा को सेंड करना पड़ेगा एक डिवाइस से नेक्स्ट डिवाइस पर देन उस डिवाइस को जहां पे डेटा जाना चाहता है या फिर एंटी क्लोक तो डायरेक्टली एक डिवाइस दूसरी को डेटा नहीं सेंड कर पाएगी इन्हें क्लोक या एंटी क्लोक में डेटा को सेंड करना पड़ेगा फेलियर ऑफ वन डिवाइस कैन डिस्टर्ब द एंटायर नेटवर्क तो जैसा मैंने बताया कि अगर दो डिवाइसिस को आपस में कनेक्ट करना है तो वो क्लोक या एंटी क्लोक करेंगे और कोई भी डिवाइस बीच में खराब हो जाती है तो वो सारा सर्कल बिगड़ जाएगा जिसकी वजह से उन्हें आपस में कांटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा और आपका सारा एंटायर नेटवर्क ठप हो जाएगा तो चलिए नेक्स्ट अब हम समझते हैं रिंग टोपोलॉजी के एडवांटेजेस रिंग टोपोलॉजी एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क क्रिएट करता है अब क्योंकि यहाँ पर एक रिंग में सारा कनेक्शन क्रिएट हो रहा है इसकी वजह से जो हमारा कनेक्शन है वो काफी स्ट्रोंग हो जाता है ईच नोड इन द नेटवर्क कैन शेयर डेटा विद एनी अदर नोड कनेक्टेड थ्रू द रिंग टोपोलॉजी अब एक नोड मतलब एक डिवाइस किसी भी दूसरी डिवाइस को डेटा शेयर कर सकती है जो रिंग टोपोलॉजी में आपस में कनेक्टेड है इस टोपोलॉजी में डेटा ट्रांसमिशन के रेट्स काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं तो कंपैरेटिवली अगर हम बस टोपोलॉजी की बात करें उसके मुकाबले रिंग टोपोलॉजी में अगर आपको डेटा ट्रांसमिट करना है भेजना है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में तो यहाँ पर उसकी जो डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है जैसे कि हम कंपेयर कर सकते हैं थ्री को फोर के साथ डेटा सेंड थ्रू रिंग टोपोलॉजी विल बी ब्रॉडकास्टेड टू ऑल द नोड्स इन द नेटवर्क अब यहाँ पर जैसा कि हमने बस टोपोलॉजी में बात की थी कि एक सेंट्रल केबल के साथ सारी डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं और एक में अगर आप मैसेज सेंड करते हैं वो ऑटोमेटिकली सारी डिवाइसेस में चला जाता है रिंग टोपोलॉजी में भी सेम ऐसा होता है कोई एक डिवाइस अगर डेटा को सेंड करती है या ट्रांसमिट करती है तो वो ऑटोमेटिकली बाकी सारी डिवाइसिस को सेंड हो जाता है नेक्स्ट अब हम जानेंगे रिंग टोपोलॉजी के डिसएडवांटेजेस के बारे में रिंग टोपोलॉजी में एडिंग अ न्यू कंप्यूटर इज़ अ चैलेंजिंग टास्क तो रिंग टोपोलॉजी में अगर आप कोई नई डिवाइस को ऐड करना चाहते हैं तो वो काफ़ी चैलेंजिंग टास्क होता है क्योंकि यहाँ पर एक लाइन नहीं है कि आप लाइन को और ज़्यादा लंबा खींच देंगे या बड़ा कर देंगे केबल को तो आप एक और डिवाइस कनेक्ट कर पाएंगे यहाँ पर जो केबल की फॉर्म है वो रिंग फॉर्म है तो अगर आपको एक नया कंप्यूटर इंस्टॉल करना है या कनेक्ट करना है आपकी टोपोलॉजी में तो वो काफ़ी चैलेंजिंग टास्क होता है वेन सेंडिंग डेटा फ्रोम अ सोर्स टू डेस्टिनेशन मशीन द डेटा इज अननेसेसरली पास टू ऑल द नोट्स तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए किसी दो डिवाइसिस को आपस में डेटा भेजना है तो वो ऐसा नहीं कि सिर्फ वो दो डिवाइसिस में ही डेटा जाएगा रिंग टोपोलॉजी में जितनी भी डिवाइसिस वहाँ पर कनेक्टेड हैं उन सभी को वो डेटा ट्रांसमिट होगा तो आप प्राइवेटली या पर्सनली किसी एक डिवाइस को मैसेज नहीं भेज सकते हैं इफ़ अ नोड गोज डाउन द एंटायर नेटवर्क इज़ अफेक्टेड तो रिंग टेक्नोलॉजी में अगर किसी भी एक नोड या एक कंप्यूटर या सिस्टम या डिवाइस में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसकी वजह से सारा जो नेटवर्क है वो अफेक्ट होता है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेंड प्राइवेट मैसेज तो जैसे हमने बात की कि इसमें अगर आप मैसेज दो डिवाइस में नहीं जाएगा सारे नेटवर्क में ही जाएगा तो प्राइवेट मैसेज आप नहीं भेज पाएंगे तो ये था वीडियो रिंग टोपोलॉजी के बारे में इसके अलावा अगर आप बस टोपोलॉजी स्टार टेपोलॉजी मेस्ट टेपोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है